हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप लोग कह रहे थे कि कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होना है, आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वन लाइनर जो होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। इससे फ़ायदा आपका जो सब्जेक्टिव जिनका और ऑब्जेक्टिव होगा एग्जाम, दोनों के लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि जब सिलेबस वही है तो क्वेश्चन से हमको कहीं ना कहीं उत्तर याद होते हैं। अगर सब्जेक्टिव होगा तब भी आपकी हेल्प होगी, क्योंकि वहां जाके आप लिख पाएंगे चीज़ें अगर याद होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम 20 क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस, ठीक है, ऑप्शन वाले आपके, और बाकी कुछ क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव टाइप के भी छोटे छोटे वाले जो क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर में पूछे जाते हैं उनकी भी बात करेंगे यहाँ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको अगर आते रहेंगे तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं। और बाकी आप लोग जानते ही हो, लाइक सब्सक्राइब की बात हम ज़्यादा करते नहीं हैं, वो आपके मर्जी की बात है। अगर मन करे आपका कर देना भाई, है ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर लगे कि कुछ हाँ अच्छा किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, वरना जम के डिसलाइक कर देना, ठीक, अगर सही ना लगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रायोज बट लैक्स सीड एंड वेस्कुलर टिश्यू। अब बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके को क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, ठीक। और अगर आपने लेक्चर देखे होंगे भाई, जो सेकंड सेमेस्टर की बॉटनी है, ठीक है, बॉटनी, उसकी जितनी यूनिटें मैंने पढ़ाई हैं लगभग आपको 25 से 30 लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक। तो वो सभी लेक्चर आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए जो बॉटनी का सेक्शन है उसमें जाइए, आपको एक जगह बल्क में पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। उसको पढ़िए अच्छे तरीके से, अगर अभी पर्याप्त समय है तो आप कई बार उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए उससे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीज़ें सभी समझ में आएंगी। तो इसने पूछा है क्वेश्चन में कि ऐसे प्लांट जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और उनमें एम्ब्रियो होता है, मतलब भ्रूण होता है, बट लैक्स सीड्स एंड वेस्कुलर टिश्यू, उनको हम कहाँ प्लेस करेंगे, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या एल्गी। तो पहली बात भाई, अगर हम बात करें वेस्कुलर टिश्यू की और सीड की, किसमें नहीं होते ये पूछा गया है ना, तो भैया एल्गी में तो होता नहीं है सीड, ना तो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, आप जानते ही हो भाई, वेस्कुलर टिश्यू, सॉरी, एल्गी आपका हो सकता है, यहाँ पे एल्गी हो सकता है, क्योंकि एल्गी में वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होते हैं और सीड भी नहीं होता है, लेकिन एल्गी होगा नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें यहाँ भी क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि उसमें स्पोर और एम्ब्रियो बनते हैं, ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल आपके होते हैं। क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलते हैं, जाइलम फ्लोएम के स्टैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में सीड भी होता है और वैस्कुलर टिश्यू भी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। क्यों? क्योंकि पूछा है बट लैक सीड्स एंड वेस्कुलर टिश्यू, मतलब जिसमें सीड और वेस्कुलर टिश्यू नहीं होने चाहिए। तो ये जो जिम्नोस्पर्म है इनका तो नाम ही यही होता है, अनावरत बीजी, ठीक है, ये बीज प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उस पे सीड के ऊपर सीड कोट नहीं होता है ना। अब बात करते हैं हम ब्रायोफाइट्स की, तो ये बात ब्रायोफाइट्स की ही की जा रही है, एल्गी भी नहीं होगा, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो आपको जो मतलब रेड एल्गी हैं और ब्राउन एल्गी कुछ एक स्पेसीज है जिसमें देखने को मिलता है, जो काफ़ी एडवांस थैलस जिनका था, बाकी आपको देख और स्पोर भी प्रोड्यूस नहीं होते हैं, क्योंकि स्पोर स्पोरोफाइट पे बनते हैं। और जबकि एल्गी में मैक्सिमम देखोगे आप, इसमें जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है गेमिटोफाइट, वही मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक। ब्रायोफाइट में भी होती है, लेकिन ब्रायोफाइट में जो दो ग्रुप है हमारे, लिवरवर्ट और मॉसेस, तो उसमें स्पोरोफाइट वाली स्टेज भी होती है जिसमें स्पोरोफाइट पे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी देखा जाता है, जायगोट बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर में समझाई हुई, तो
इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप इसको आराम से इजीली कर सकते हो, और ये क्वेश्चन अच्छा माना जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन लिखने के लिए 2 नंबर में 4 नंबर में पूछे जाते हैं, जिसमें चीजें आपको लिखनी होती हैं कि जनरल कैरेक्टर बताइए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के। इस तरीके क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट ब्रायोफाइट्स रिक्वायर अ डैम्प हैबिट बिकॉज, क्या कारण है जो इनको भैया डैम्प हैबिट, शेडी प्लेसेस की जरूरत होती है ना, छायादार स्थानों में ही उगते हैं, क्यों भाई ऐसा क्या है? ये मैन कैरेक्टर भी है इनका, है ना, मैन कैरेक्टर होता है। दे डू नॉट हैव अ क्यूटिकल, सेकंड ऑप्शन है दे लैक गैमेटेंजिया टू प्रोटेक्ट दियर डेवलपिंग एम्ब्रियो, थर्ड है दियर स्पोरोफिटिक जनरेशन विच लैक्स वैस्कुलर टिश्यू इट डिपेंडेंट ऑन द गेमिटोफाइट। ये बात तो सही है भाई, इसका जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है ब्रायोफाइट की, उसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते, इसलिए डिपेंड होती, इज डिपेंडेंट ऑन द गेमिटोफाइट, ये गेमिटोफाइट पे भी डिपेंड होता है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि डैम्प हैबिट पे ग्रो करे, वेस्कुलर बंडल नहीं है तो डैम्प हैबिट पे कैसे ग्रो करेगा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लास्ट वाला देखिए, फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स मस्ट स्विम टू फर्टिलाइज द एग, यही इसका राइट आंसर होगा, क्यों? क्योंकि भैया जो नमीदार स्थान होगा, थोड़ा सा डैम्पी एरिया होगा, शेडी प्लेस होगा, जहां नमी बनी रहती होगी, हल्का फुल्का पानी इनको चाहिए, क्योंकि इनके स्पर्म जो होते हैं, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, उसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, और उसको स्विम करके फर्टिलाइज करने के लिए, एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए वाटर रिक्वायर होता है, क्या रिक्वायर होता है, वाटर, ठीक है। तो इसलिए ये वहां पे पाए जाते हैं, ज्यादातर आपको नमी वाले स्थानों में मिलेंगे, ठीक, पहाड़ी एरिया जो होते हैं, हिल्स होते हैं, जैसे नीलगिरी हिल्स है, इस तरीके से वहां आपको उस साइड में पहाड़ों की ओर ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ झरने हल्के फुल्के लगातार बहते रहते हैं, तो उन पत्थरों पे आपको ये ग्रो करे हुए ज्यादातर मिलते हैं ब्रायोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट्स अलोन हैव इंडिपेंडेंट, यहाँ पे कुछ आपके लिए जगह छोड़ी है जिसमें आपको भरना है, एंड अटैच्ड कामा डिपेंडेंट ऑन, ऑफ ऑल द लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट्स अलोन हैव इंडिपेंडेंट, भाई इनमें इंडिपेंडेंट क्या होता है, गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, लोग एक ही से आपका आंसर मिल रहा है, और किसी में तो पहला ऑप्शन है नहीं गेमिटोफाइट, क्योंकि जो ब्रायोफाइट की हम बात करते हैं, ब्रायो फाइट्स की, तो इसमें 2 स्टेजेज हैं, एक आपकी गेमिटोफाइट है, ठीक है, गेमिटोफाइट, और एक होती है स्पोरोफाइट। तो अगर आपने लेक्चर देखा होगा या बुक से पढ़ा होगा या आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, तो इतना तो बेसिकली पढ़ाया ही होगा कि ब्रायोफाइट की जो डिपेंडेंट और मेजर जो स्टेज होती है, वो क्या होती है, डोमिनेंट स्टेज होती है गेमिटोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, ये अस्वतंत्र रूप स्वतंत्र है, और ये स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक, समझ में आई बात? तो ब्रायोफाइट की बात करते हैं, तो इसमें इंडिपेंडेंट क्या होता है, गेमिटोफाइट, क्या होता है, गेमिटो फाइट्स, एंड अटैच्ड कामा डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होता है भाई, स्पोरोफाइट जो होता है वो गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक, और उसी से अटैच रहता है, और यहाँ पे एक दो एडिशनल पॉइंट आपको बता दूं, जो गेमिटोफाइट होता है ये ग्रीन होता है, कैसा होता है, ग्रीन होता है, कामा थैलोइड होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इरेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं है, इसलिए ये थैलोइड होगा, जैसे एल्गी का थैलस होता है, लेकिन एल्गी से कुछ ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है ये ब्रायोफाइट का थैलस, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस थैलस है, ठीक, ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल एल्गी के जैसे थैलस नहीं होगा इसका, थैलस का मतलब समझते ही होगे ना, चपटी संरचना होती है, राइजोइड्स होते हैं, इस तरीके के आप मार्केशिया वगैरह का स्ट्रक्चर देखे होगे ना, मार्केशिया इस तरीके से ग्रो करता है, ठीक है, ये मार्केशिया हो गया, इसमें इस तरीके से मूलाभास लगे होते हैं राइजोइड, ठीक, इसके ऊपर गेमा कप इस तरीके से होते हैं, जिसमें गेमा बड बनते हैं और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सभी चीजें लेक्चर में मैंने करवाया है, ठीक, अगर
बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग अगर देखे नहीं है तो लेक्चर को देखिए वहाँ, ठीक है, चीज़ें समझ में और ज़्यादा आएंगी और अच्छे से आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस, मॉस भाई ब्रायोफाइट में दो ग्रुप है, ब्रायो में कितने ग्रुप है, दो, एक होता है लिवर वर्ट, ठीक है, लिवर वर्ट, और दूसरा होता है मॉस। आपको ये पता होगा कि लिवर वर्ट से ज्यादा एडवांस होते हैं मॉस, मॉस का जो स्पोरोफाइट होता है ये ज्यादा एडवांस होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना आप। और मॉस में जो स्पोरोफाइट है उसमें स्पोर डिस्पर्जल की बहुत ही वेरियस टाइप की इसमें आपको मैकेनिज्म देखने को मिलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्यूनेरिया में ज्यादातर जनरली ये इस पे क्वेश्चन भी अलग से आता है, इसको हम करवा देंगे, ठीक है, किसी दिन। तो ये मॉस जो होते हैं थोड़ा ज्यादा एडवांस है लिवर वर्ट से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस व्हिच ऑफ द जनरेशन इज डोमिनेंट, मॉस के अंदर कौन सी जनरेशन डोमिनेंट होती है, तो कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिपीट करके। तो पहला है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, फिर डिप्लॉइड गैमेटोफाइट, भाई गैमेटोफाइट तो होगा पक्का है क्योंकि मॉस क्या है, मॉस भी क्या होते हैं, ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट में आपको पता ही है गैमेटोफाइट ही डोमिनेंट स्टेज होता है, तो डोमिनेंट जनरेशन तो गैमेटोफाइट ही होगी, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि गैमेटोफाइट ही होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड, ठीक है, तो ये दोनों तो काट दीजिए क्योंकि स्पोरोफाइट तो हो नहीं सकता। अब गैमेटोफाइट में आपको बता दें हम, ये जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है, कैसा होता है, हैप्लॉइड, क्योंकि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड 2n स्टेज में, फिर इसमें मियोसिस होता है, क्या होता है, मियोसिस के थ्रू बनता है थैलस, क्या बनता है, थैलस, जिससे आपका गेमिटोफाइट बनता है, क्या बनता है, गेमिटोफाइट। तो गेमिटोफाइट भाई मियोसिस अगर हो गया, स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है फिर बनता है आपका गेमिटोफाइट, तो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, कैसा होता है, जो मैन या कह सकते हो आप डोमिनेंट जनरेशन होती है, जो डोमिनेंट स्टेज होती है ब्रायोफाइट्स में, वो हैप्लॉइड गेमिटोफाइट होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, व्हेन अ मॉस स्पोर लैंड्स ऑन अ एप्रोप्रिएट साइट इट जर्मिनेट्स इनटू द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे भाई, मॉस का स्पोर है लैंड के ऊपर कहीं, अप्रोप्रिएट साइट का मतलब ऐसी जगह जहां उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, सही जगह पे वो पहुंच गया है स्पोर, फिर वो जर्मिनेट जब करेगा तो जो पहली स्टेज होगी उसको क्या बोलोगे आप, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इस पर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, क्या बोलेंगे आप उसको, एंथेरिडियम बोलेंगे या फिर राइजॉइड बोलेंगे या फिर उसको थैलस या प्रोटोनीमा बोला जाएगा, ठीक। तो आपको आंसर तो फिलहाल पता चल ही गया होगा क्योंकि बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़ा अच्छा भी है, क्वेश्चन खूब इस पे इस तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक। तो भैया एंथेरिडियम तो होगा नहीं क्योंकि एंथेरिडियम तो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट्स की बात करें तो, ठीक, तो ये तो नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं राइजॉइड की, तो राइजॉइड, राइजॉइड तो स्पोर से बनते नहीं भाई, स्पोर से पूरा बनेगा तो पूरा एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी, है ना, तो राइजॉइड क्या होते हैं, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और बात करें थैलस की, तो बनता तो थैलस ही है लेकिन डायरेक्ट थैलस नहीं बनता है, क्योंकि आपको याद होगा स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरो फाइट ये डिप्लॉइड है, अभी बताया था मैंने, इसमें होता है मियोसिस, क्या होता है, मियोसिस, मियोसिस से बनते हैं आपके स्पोर, क्या बनते हैं, स्पोर जो कि होते हैं हेप्लॉइड। भाई आपको पता ही होगा अर्धसूत्री विभाजन जब मियोसिस होता है डिप्लॉइड सेल में तो चार चार हेप्लॉइड सेल्स बनाती है जिसको स्पोर बोलते हैं, स्पोरोफाइट से स्पोर बने। अब इनमें क्या होगा, ये करेंगे माइटोसिस, माइटोसिस मतलब माइटोसिस होगा तो ये चार सेल्स से कई सारी सेल्स, भाई कई माइटोसिस हो जाएंगे तो 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा। और ये जो स्पोर है ये जब जर्मिनेट करेगा तो ये बनाएगा प्रोटोनीमा, क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, ठीक,
ये जो प्रोटोनिमा होता है मोसेस में दो टाइप के होते हैं, एक होता है 1 डिग्री प्राइमरी प्रोटोनिमा और फिर उसके बाद में बनता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, तो ये चीज याद रखना। तो स्पोर से क्या बनना है, प्रोटोनिमा। तो क्वेश्चन आपका यही था कि अगर कोई स्पोर है ब रायोफाइट्स का स्पोर जो कि लैंड पे किसी अप्रोप्रिएट जगह पे अगर पहुंच पा रहा है तो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रोटोनिमा। क्या बनाएगा, प्रोटोनिमा को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये आपका जो है थैलस वाला ऑप्शन रॉन्ग है। अगला अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ब्रायोफाइट्स ग्रो इन हैबिटेट्स दैट आर, भाई ब्रायोफाइट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, कैसी एरिया में ग्रो करते हैं। अभी बताया था आपको मैंने कुछ इसका आंसर, ड्राई मॉइस्ट या साल्टी या फिर मार्सी, तो आपको पता ही है ये मॉइस्ट एरिया में ग्रो करते हैं जनरली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, द रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉस एंड द रूट्स एंड लीव्स ऑफ अ वैस्कुलर प्लांट आर, क्या बोलते हैं भाई, कैसे हो सकते हैं ये स्ट्रक्चर। जैसे ब्रायोफाइट में हम बात करते हैं, मॉस की बात यहाँ की गई है, तो मॉस को हो या ब्रायोफाइट बात हुई है ना, तो ब्रायोफाइट में हम डायरेक्टली रूट और लीफ वर्ड नहीं यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई जो ट्रू रूट और ट्रू लीफ होती है, ट्रू स्टेम होता है, उसमें जाइलम फ्लोएम होने चाहिए, वैस्कुलर बंडल, और ब्रायोफाइट या मॉस में होते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक, मॉसेस में, ब्रायोफाइट्स में। एंड द रूट्स एंड लीव्स ऑफ अ वेस्कुलर प्लांट, क्या रिलेशन हो सकता है, जो वेस्कुलर प्लांट हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम है उनमें जो रूट और लीफ हैं उनका इन रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर से क्या संबंध है। एनालोगस होते हैं, होमोलोगस या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर इसको हम एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाता है एनालोगस। क्या बोलते हैं, एनालोगस बोला जाता है। ठीक, इनको क्या बोलते हैं हम, एनालोगस। चलिए भाई अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इन ब्रायोफाइट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस इन द, भाई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनियोफाइट्स है ना, तो कहाँ पे बनेगा, आर्किगोनियम के अंदर। डेवलपमेंट कहाँ होगी एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आर्किगोनियम के अंदर होगी। कैसे होगी, क्योंकि आपको पता ही है एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन है जहाँ पे एंथ्रोजॉइड बनता है जो कि बाइफ्लेजिलेटेड होता है। कैसा होता है, बाइफ्लेजिलेटेड, दो फ्लेजिला भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, ये चीज आपको पता ही है। कैप्सूल जो है, कैप्सूल की हम अगर बात करते हैं तो एक कैप्सूल तो भाई स्पोरोफाइट का पार्ट है, कैप्सूल जो हो गया ये स्पोरोफाइट का पार्ट है, इसी कैप्सूल से आगे क्या बनते हैं, इसी से आगे चलकर आपके स्पोर तैयार होते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियम जो है ये भी अलग चीज है, इसके अंदर स्पोर बनते हैं, ये टेरिडोफाइट वगैरह में आपको पढ़ने को मिलेगा, फिर टेरिडो से लेकर ये जिम्नोस्पर्म तक चलेगा। तो ये जो आपका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो कहाँ होता है, आर्किगोनियम के भीतर होता है। कहाँ होता है, आर्किगोनियम के भीतर। थोड़ा स्ट्रक्चर भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इज कॉमनली नोन एज पीट और बॉग मॉस। भैया इसको स्टार लगा के रख लेना, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पीट और बॉग मॉस किसको बोला जाता है, तो आप लोग जानते तो होंगे ही, ये स्फेगनम को बोला जाता है। पीट क्या होता है, पीट मतलब जैसे जलाने के लिए काम आता है, ठीक है, इससे आग इसको जलाया जाता है। और पीट का काम होता है जैसे कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज की अच्छी होती है, इसलिए जो नॉन लिविंग चीजें जो होती हैं उनको इसके अंदर पैकिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक, तो इसको पीट और बॉग मॉस बोला जाता है, इस पे हमने डिटेल में लेक्चर लिया है, उसमें बताया है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स हैज
रोज ऑफ नेक कैनाल सेल्स इन द आर्किगोनियम। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये जो पोरेला होता है आपका, पोरेला पोरेला के अंदर आपको देखने को, आप कहोगे कि हमारे में पोरेला स्पीसीज पढ़ना ही नहीं है, तुम्हारे में एंथोसिरोस है और फ्यूनेरिया स्फेग्नम है, बाकी रिक्सिया मार्केंसिया, पोरेला कहाँ है भाई? पोरेला है नहीं, लेकिन आप ब्रायोफाइट के जो जनरल कैरेक्टर पढ़ते हो उसमें ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है कि हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप सोचो पोरेला और पीलिया ये सब है नहीं आप में तो पढ़ना नहीं है। इस तरीके से जनरल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पोरेला भी ब्रायोफाइट ही है, पेलिया भी ब्रायोफाइट होता है। ठीक, तो इसके अंदर जो आपका आर्किगोनियम होता है उसमें जो नेक कैनाल सेल्स है वो 5 रोज में सेल्स लगी होती है, 5 कतारों में सेल्स का अरेंजमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अ ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट इन। जनरली आप देख रहे हो कि जो डिफरेंशियल क्वेश्चन इस तरीके के ज़्यादा आते हैं, और डोमिनेंट स्टेज कौन सा है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, तो छोटे क्वेश्चनों में इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अब ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम टेरिडोफाइट इन, पहला आर्किगोनिया, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट्स, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स, बताइए क्या इसमें सही होगा? तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। भाई वेस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट में नहीं होते हैं, टेरिडोफाइट में होता है, तो यही मेन डिफरेंट। आर्किगोनिया की बात करें तो आर्किगोनिया दोनों में पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट दोनों में होता है, और दोनों को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फर्टिलाइजेशन। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट की बात करें तो भैया याद रख लेना, ब्रायोफाइट में तो आपको याद ही हो गया होगा कि इसमें गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। बात करते हैं हम टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट में कुछ देर के लिए गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, बाकी पूरी लाइफ में उसके जो है तो वो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट रहता है। तो यही वो वर्ग है प्लांट का टेरिडोफाइट, जिसमें दोनों जनरेशन, दोनों स्टेजेज जनरेशन की जो लाइफ साइकिल है इनकी, उनकी दोनों स्टेजेस कैसी होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट के लिए इसमें से क्या सही नहीं है? पहला है दे लैक ट्रेकेट्स एंड वेसल्स, दे आर फोटोसिंथेटिक, देयर जाइगोट अंडरगोज मियोसिस एंड देन प्रोड्यूसेस द स्पोरोफाइट। फिर है दियर स्पोर जर्मिनेट्स प्रोड्यूसिंग गेमिटोफाइट। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो 9 नंबर वाला होगा, दियर जाइगोट अंडरगोज मियोसिस एंड व्हेन प्रोड्यूसेस द स्पोरोफाइट। तो ये जो जाइगोट होता है इससे स्पोरोफाइट तो जरूर बनता है, लेकिन मियोसिस से नहीं बनता है, क्योंकि जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड होता है। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड जाइगोट है उसका आप मियोसिस करवा दोगे, फिर अगर स्पोरोफाइट बनाओगे तो स्पोरोफाइट हैप्लॉइड हो जाएगा, और जो कि नहीं होता है। अभी आपको मैंने बताया था कि इसका जो स्पोरोफाइट है ये भी द्विगुणित होता है, 2n स्टेज है, मतलब जाइगोट से अगर स्पोरोफाइट बनाना है तो सीधे माइटोसिस करनी होगी आपको, मियोसिस नहीं करना होगा, तो ये गलत है। तो यही पूछा गया था, नॉट करेक्ट पूछा गया था। ठीक है, बात करते हैं हम दे लैक ट्रेकेट्स एंड वेसल, ये बात तो सही है, इसमें नहीं होते हैं, लेकिन जो वैस्कुलर बंडल ही नहीं है ब्रायोफाइट्स में, तो ट्रेकेट वेसल की बात बहुत दूर की है ना। तो ये सभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट अमंग द फॉलोइंग इज, भैया सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कौन है, आर्थिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण स्पीसीज बताइए ब्रायोफाइट की। सामने है 4 ऑप्शन आपके पास, जल्दी से बताइए फिर लॉक किया जाए। फ्यूनेरिया मार्केंसिया रिक्सिया स्फेग्नम। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ब्रायोफाइट्स का कोई विशेष आर्थिक महत्व तो नहीं है, दो तीन इंपॉर्टेंट है जो आप जान लीजिए। पहला, ये मृदा क्षरण को रोकते हैं, जैसे कि इनकी बहुत घनी परत मिट्टी के ऊपर, कुछ मिलीमीटर मोटाई की परत, बहुत सारे मतलब घने घने जम जाते हैं। ठीक,
ग्रो करते हैं। तो जब बारिश होती है तो मृदा का क्षरण रुक जाता है उससे। आप जानते होंगे भाई, मिट्टी के ऊपर घास होती है तो वहां पे जब बारिश होती है तो मिट्टी का कटान कम होता है। इसी तरीके से जहां ये ग्रो करते हैं तो ये तो वो फायदा हो गया। दूसरा इसका फायदा क्या है? दूसरा फायदा है कि मॉसेस जो होते हैं वो लाइकेन के साथ फर्स्ट टाइम, जब आप अनुक्रमण पढ़ेंगे ना, अनुक्रमण अनुक्रमण मतलब कोई ऐसी जगह जहां पे जीवन नहीं था, ठीक। प्राइमरी और सेकेंडरी अनुक्रमण दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक। तो वहां पे जब जैसे मान लो कोई पत्थर है, नग्न पत्थर, कहीं पत्थर ही पत्थर है, वहां कोई किसी प्रकार का जीवन नहीं है, तो सर्वप्रथम वहां अगर कोई उगेगा तो लाइकेन और मॉस उगते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो ये उसको तोड़ तोड़ के सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कितनी भी बंजर जमीन हो, कितना भी खराब हो, जहाँ ग्रो करने की मतलब प्लांट और ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके रहने की और जीने की कोई संभावना ना हो, फिर भी वहां पे ये ग्रो करने लायक बना देते हैं। सबसे पहले लाइकेन और मॉसेस ही वहां पे ग्रो होते हैं, तो वहां पे इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है, समझ रहे हो? अनुक्रमण की दृष्टि से मतलब पारिस्थितिकी महत्व है ये ब्रायोफाइट्स का। और तीसरा महत्व आपका स्फेगनम वाला है, जिससे कि पीट मिलता है, ये पीट यूज किया जाता है, ठीक। तो ये कुछ इन्हें गिने इसके तीन चार इम्पोर्टेंस होते हैं, बाकी छोटे छोटे और भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है अदर प्लांट ग्रुप के तुलना में अगर देखा जाए, ठीक। एल्गी वगैरह का आप जानते ही हो, फूड सप्लीमेंट के जैसे एज ए मेडिसिन और भी बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट उससे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेज हैं हमारे एल्गी के हमारे लाइफ में। एज ए न्यूट्रिशन तो आप जानते ही हो, बहुत बड़ा सोर्स बना हुआ है उसमें। जो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, जो कि बैक्टीरिया वाले में रखा गया है, वो तो बहुत ही ज़्यादा फूड के जैसे यूज होता है। बाकी भी इसके जो है जिलेडियम ग्लेसिलेरिया है, इनसे अगार अगार मिलता है, सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे, तो उनका बड़ा इम्पोर्टेंस होता है एल्गी का। और ब्रायोफाइट्स का कुछ रिलेटिवली कम इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गेमिटोफाइट विदाउट गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड, बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपसे बन नहीं पा रहे होंगे, तो इनको याद करके जाना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गेमिटोफाइट विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, मतलब गैमेट के फॉर्मेशन के बिना ही गेमिटोफाइट से आप स्पोरोफाइट बना दे रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है एपोस्पोरी। क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी। एपोस्पोरी पे छोटा सा दो नंबर में, चार नंबर में, शॉर्ट नोट भी तीन नंबर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, आप फीमेल गेमिटेंजियम ऑफ अ ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ फंगस इन पजेजिंग, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो उसमें होती है ब्रायोफाइट्स में, जिससे कि ये फंगस से डिफर करते हैं, ठीक। यही बताना है आपको। तो भैया हम बात करते हैं, पहला लार्ज नेक, फिर है आवेंटर, थर्ड है इसमें जैकेट लेयर ऑफ स्टेराइल सेल, फिर लास्ट है आ सिंगल एग सेल। तो भैया जैकेटेड लेयर जो होती है ये कैरेक्टर होता है इन्हीं का, ठीक, फंगस में नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी रोज ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द आर्किगोनियम इन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के आर्किगोनियम में कितना होता है? आप जनरली पूछा गया है भैया कितना होता है, तो इसमें छः होते हैं। कितने होते हैं? सिक्स पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था आपसे पोरेला के बारे में, तो पोरेला का जो आर्किगोनियम की जो नेक्स्ट सेल्स होती हैं उसमें 5 रोज होते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन कुछ है डाटाबेस जो याद होने चाहिए। स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट्स इज, स्पोर मदर सेल जो होगी, स्पोर मदर सेल का मतलब समझते हो, जिससे स्पोर बन रहा हो, स्पोर किससे बनेगा? स्पोरोफाइट से बनेगा। स्पोरोफाइट कैसा होगा भाई? स्पोरोफाइट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, 2n होगा, यही तो बताया था। स्पोर मदर सेल का मतलब है कि जिससे स्पोर बन रहा है, तो स्पोर किससे बनता है भाई? स्पोरोफाइट जो होगा, स्पोरोफाइट जो कि 2n होगा, इसी से बनता है आपका स्पोर, ठीक। तो स्पोर किससे बन रहा है? स्पोरोफाइट से, जो कि डिप्लॉइड है। कैसा है? डिप्लॉइड, और इससे हैप्लॉइड स्पोर बन रहा है, इसी को बोलते हैं स्पोर मदर सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पोर मदर सेल, यस एम सी। तो
ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। जो स्पोर मदर सेल होता है ब्रायोफाइट्स में, वो डिप्लॉइड नेचर का होता है, 2N होता है। ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, भाई ब्रायोलॉजी में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे रोज ही मिलते होंगे, एक आध करते भी होंगे आप। राइजोइड्स ऑफ स्फेगनम, आप भाई स्फेगनम जो होता है, स्फेगनम एक मॉस है, आप जानते ही हो, पीट मॉस या बोग मॉस इसी को बोलते हैं। इसके जो राइजोइड होते हैं किस तरीके के होते हैं? यूनिसेलर होते हैं, ग्रीन कलर्ड यूनिसेलर विद सेप्टा, या फिर मल्टी सेलर विद विद ओब्लिक सेप्टा। सेप्टा जानते ही होंगे भाई, इस तरीके से जो पट लगा होता है, इस तरीके से पट होते हैं, उसको हम सेप्टा बोलते हैं। ओब्लिक सेप्टा मतलब इस तरीके का होगा, ठीक है, थोड़ा ओब्लिकली काट रहा होगा। तो यही बताना है आपको, स्फेगनम के राइजोइड किस टाइप के होते हैं? तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेल्ड, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं और ओब्लिक सेप्टा होते हैं। ये जो आपको दिखाया गया है, इसमें मैंने राइजोइड और स्केल, स्केल और राइजोइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइट में। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इस पे हर साल पूछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए भैया ये लेक्चर जो राइजोइड्स और स्केल के लिए मैंने बनाया है, गेमा कपलिक के लिए बनाया है, स्पोरोफाइट का जो लेक्चर्स मैंने डाले हैं रिक्सिया मार्किन्सिया के, वो क्वेश्चन आप वहाँ से लेक्चर जरूर देखिएगा, वहाँ से हेल्प जरूर होगी, आपका क्वेश्चन जरूर वहाँ से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, रेटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये भी आपको हम बता देते हैं, तो ये स्फेगनम का ही लक्षण है जिसमें रेटॉर्ट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, किसमें मिलती है? स्फेगनम में। तो ये आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कल हम और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, इसी तरीके से आपके एग्जाम से पहले पहले हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पूरा सिलेबस आपका कवर करवा देंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिए, अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो वो भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स जो हैं आपके क्लासमेट हैं उनके पास लेक्चर भेजिए, मन करेगा तो वो भी देखेंगे, अगर उनका फ़ायदा होगा ना, एक दूसरे की हेल्प करना हमें वैसे भी चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।